अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दम पुख्त कीमा। उसके लिए मैंने लिया 1.5 किलो कीमा, एक दफ़ा मशीन से निकलवा कर। ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ये सादी मिर्चें ली हैं, ये कश्मीरी मिर्चें ली हैं मैंने। धनिया, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च जो खाने में यूज होती है 2 चम्मच, काला जीरा 1 चम्मच, कुटी 2 चम्मच, ठीक है जी। इसके बाद मैंने लिया 1 प्याली पपीता, 1 प्याली भर के पपीता, 1 प्याली दही, 4 चम्मच लहसुन, 4 चम्मच अदरक, ये मैंने लिया है, 1 प्याली ब्राउन की हुई प्याज, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून जैफरान जावित्री। ये चीज़ें सब आपने अच्छी तरह देख लें, ये मैंने ली है। अब ये कीमा 1 से 1.5 किलो लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल के इस कीमे की एयर निकाल देनी है, इस तरह कि आप इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह इसको मिलाएंगे तो ये पूरा कीमा अच्छी तरह खुल जाएगा। इसको थोड़ी देर आप अच्छी तरह हाथ की मदद से खोल दें, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने डाल दें इसमें सबसे पहले दही, इसके बाद डाल दें पपीता, इसके बाद डाल दें लहसुन अदरक, सब चीजों को लेकर फिर अच्छी तरह हाथ की मदद से इसको मिक्स करें। देखें अगर जिस तरह ये पानी वाली तीनों चीज़ें, पहले पानी डाला फिर उसके बाद लहसुन अदरक पपीता दही, ये सब अच्छी तरह आपने मिला लिया तो ये कीमा पूरा खुल गया, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसकी तमाम एयर निकल जाएगी ऐसे करने से। आप इसको अच्छी तरह हाथ से मसल लें, जब ये अच्छी तरह कीमा मसला जाए इसके अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड कर दें। और 1 कप आयल भी डाल दें, मैंने ये दाल प्याज इसी आयल के अंदर करी थी, ठीक है। अब फिर इनको तमाम सामान को डाल के दोनों हाथों से अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। इस तरह कीमा फूल भी जाएगा, बड़ा भी लगेगा और अच्छी तरह नमक में जो मसाले हैं अच्छी तरह इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ये देखें जब भर गया, काफ़ी सारा हो गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कोयले का धुआं देना है। इसके अंदर आप छोटी प्लेट रख लें, कोई प्याली रख लें, जो भी आपको आपके पास इजी है वो यूज़ कर लें। इसके बाद आप इसमें कोयला रखें और हल्का सा तेल डाल दें, ठीक है। ज्यादा नहीं ढापिएगा कि ज्यादा धुएं की खुशबू आती है। अब इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए डाल के रख दें। दीजिए नाजरीन, जब मैंने कीमा मैरिनेट करके रखा था 1 से 1.5 घंटा हो गया, अब इसको मैं चूल्हे पे पका रही हूँ। इसमें और कुछ नहीं डाला, जो ऑयल वगैरह जो पहले मैंने डाला था वही है, और ऑयल नहीं डालिएगा, ठीक है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढाप के रख रही हूँ। लीजिए नाजीन, ये देखिए कीमा बिल्कुल
इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने बेसन भून के रखा था वो मैं डाल रही हूँ, 2 टेबल। अब इसको इसके साथ अच्छी तरह कीमे में मिक्स कर लिएगा। इतना भुने कि इसमें पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए। ठीक, ये देखें बिल्कुल भुना हुआ है। 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया, बेसन भुना हुआ डाला। अब मैं 1 अदद इसके अंदर नींबू भी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से नींबू को और बेसन को मिक्स कर लीजिए। लीजिए सब अच्छी तरह दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये मैंने डिश आउट कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसे रिप्ले कर देती हूँ, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर से मैंने गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कीमा बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इसी रेसिपी को दोबारा फॉलो करिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।